एवरीवन, दिस इज रुचिका एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम प्रोडक्ट्स हॉल, लाइक स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स हॉल। पिलग्रिम पे ना अभी सेल थी जिसपे बाय वन गेट वन ऑफर था, तो आई वाज लाइक कि कुछ कुछ चीजें खरीद लेती हूँ जो भी मेरी विश लिस्ट में थी। तो मैंने तीन चार चीजें खरीदी हैं, सो देखते हैं क्या क्या है। सो दिस इज द पैक। एक्चुअली ना बाहर एक वो ये है इस तरह के पॉली बैग में आता है, जिसपे लिखा है पिलग्रिम का लाइक 5 ईयर समथिंग लिखता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। सबसे पहले तो दिस वन ये है पिलग्रिम का 25% AHA, 2% BHA, 5% PHA पीलिंग सॉल्यूशन। ये मैंने पहले भी उनका ट्राई किया है और अभी खत्म हो चुका था मेरे पास, तो मुझे इसे रिस्टोर करना ही था। आई वाज जस्ट वेटिंग कि कब कोई सेल एंड ऑल आती है तो खरीदूंगी, तो मैंने दोबारा खरीद लिया है। दिस इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट हाँ सेल के टाइम पे मुझे काफी सही मिल गया। काफी अच्छा, ये इफेक्टिव भी है और टैनिंग एंड ऑल को अच्छे से निकालता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग आई हैव बॉट। एंड देन मैंने इनका एक शैम्पू खरीदा है विच इज दिस वन। ये इनका पिलग्रिम का स्पैनिश रोजमेरी एंटी हेयरफॉल शैम्पू विद बायोटिन, ये वाला। इफ यू रिमेम्बर मैंने इस पर शायद रिव्यू किया है अपने चैनल पे, तो वो तो मैंने इसे यूज किया था, मुझे अच्छा लगा था प्रोडक्ट, सो आई जस्ट थॉट कि दोबारा। बेसिकली एक हेयरफॉल रिड्यूसिंग शैम्पू है और मैंने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे थे, काफी मेरा हेयरफॉल कम हुआ था इसको यूज करने के बाद, तो आई जस्ट थॉट कि इसे रिस्टॉक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मैंने खरीदी है इनका एक ग्लो मॉइस्चराइजर, दिस वन। ये है स्क्वालिन का ग्लो मॉइस्चराइजर विद नियासिनमाइड एंड विटामिन सी। मोस्टली मैंने प्रोडक्ट्स वो खरीदे हैं जो मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ और मुझे अच्छे लगे थे, तो मुझे लगा कि दोबारा उन्हें खरीदना चाहिए, रिस्टॉक करना चाहिए। तो ये मैंने पहले यूज किया है इनका ग्लो मॉइस्चराइजर, काफी लाइट वेट है, नियासिनमाइड इसके अंदर, विटामिन सी है, तो काफी नरिशिंग हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। आई गेस मैंने फुल रिव्यू इसका किया है चैनल पे, आई विल चेक, अगर नहीं किया होगा तो मैं कुछ दिनों में कर दूंगी इसका फुल रिव्यू, जस्ट टू गुड। नेक्स्ट मैंने सोचा, एक्चुअली पिलग्रिम की जो मेकअप रेंज है उससे लिटरली मैंने एक दो प्रोडक्ट से अभी तक ट्राई किए हैं, और जब से उन्होंने अपनी लिपस्टिक्स लॉन्च की थी आई वॉज लाइक रियली एक्साइटेड कि मुझे इनकी लिपस्टिक्स में से कोई कोई वाली शेड तो खरीदनी है। तो मैंने देखो एक ही शेड यहाँ पे खरीदी है बिकॉज बहुत अफोर्डेबल नहीं है इनकी लिपस्टिक। सो दिस इज पिलग्रिम की मैट मी अप लिक्विड लिपस्टिक। ये लिक्विड लिपस्टिक है और वीगन है, क्रूलिटी फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। दिस शेड है 04 न्यूड ऑब्सेस्ड, 3 ml की क्वांटिटी है। दिस इज द शेड आई हैव अप्लाइड राइट नाउ, ये यही वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरह के पैक में आती है, यहाँ पे लिखा है पिलग्रिम मैट मी अप एप्लीकेटर एंड दिस इज द शेड। जस्ट लाइक न्यूड, हल्का सा ब्राउनिश न्यूड, हल्का सा पीचिश हिंट भी इसमें आता है, यू कैन सी ऑन माई लिप्स। सूख के कुछ, ड्राई होके कुछ इस तरह की शेड ही आएगी, बट अभी कुछ इस तरह की दिख रही है, देखिए। बट आई रियली लव्ड द कलर, मुझे अच्छा लगा, काफी ऐसा कैरेमल सॉर्ट ऑफ कलर ही है। फ्रेग्रेंस भी काफी ऐसे कैरेमल वनीला सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, काफी स्वीट फ्रेग्रेंस एक्चुअली। बेस्ट थिंग इज ये ट्रांसफर प्रूफ भी है, एक्चुअली दिस इज ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक और ड्राई भी नहीं करती लिप्स को। मैंने यूज किया बट आई कैन जस्ट फील फेड दैट दिस इज रियली लाइट ऑन लिप्स और लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती। तो लिक्विड लिपस्टिक्स में इस तरह के फॉर्मूलाज लाइक रियली अमेजिंग। तो हाँ, मैंने अभी एक ही खरीदी है, बट या इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर शेड्स इन दिस, क्योंकि काफी सारी शेड रेंज दे हैव अवेलेबल, बट या इट्स गुड, लव्ड द कलर। सो यही तीन चार प्रोडक्ट्स एक्चुअली थे जो मैंने खरीदे हैं इस सेल पे। आई वाज लाइक वेटिंग कब से, क्योंकि कोई सेल आए तो मैं कुछ खरीदूं, बट या इनमें से किसी भी प्रोडक्ट्स का अगेन आपको एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।